नमस्कार, मानस मिश्रा मल्ली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस से जो गांधी परिवार से सत्ता तो चली गई, लेकिन वो कहावत है, वो लाइन है जिसके तहत हमेशा ये बात उठती है कि सरकारें कितनी भी बदल लो, सिस्टम हमारा है। जी हाँ, सरकारें कितनी भी बदल लो, सिस्टम हमारा मारा है। यही खेल चल रहा था नेशनल हेराल्ड मामले में, जहां गांधी परिवार नेशनल हेराल्ड मामले में किस तरह से चुपके से ये पूरा खेल कर रहा था और सिस्टम में बैठे अधिकारी उसका साथ दे रहे थे और पूरा का पूरा सिस्टम के जरिए ये पूरा खेल अंतांत्रिक तरीके से चल रहा था और मामले की पलटने की तैयारी थी। मामला पहुंचता है प्रधानमंत्री ऑफिस, पीएमओ ने 24 घंटे के भीतर वो पूरा का पूरा मामला पलट दिया और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कार्रवाई की। सुब्रमण्यम स्वामी, जी हाँ, जो नेशनल हेराल्ड के खोलने वाले पूरा कच्चा चिट्ठा के कर्ता धरता है, वो भी सामने आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधी कार्रवाई जब की तो नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार पर गाज गिरी है। मनमोहन सिंह भी लपेटे में आए हैं, क्योंकि अकेले ये सारा कुछ संभव नहीं था। ये जितने भी चोर जो चोरी करके भागे थे देश का पैसा, और अभी कुछ तो देश में रह गए, वो है गांधी परिवार। आपको दिखाएंगे, अनुरोध करेंगे कुछ देर रुके और सारे फर्जीवाड़े का आज यहाँ पर एक एक करके खुलासा होने जा रहा है और क्या कैसे इन लोगों ने पूरी साजिश रची थी। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में चंद झटके में पलट दिया और 24 घंटे के भीतर ही पूरा का पूरा खेल हो गया। नेशनल हेराल्ड में गांधी परिवार पर गाज और राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर पीएमओ सीधे तौर पर एक्शन में यहां पर आपको दिखाएं, जिसपे कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, वित्त मंत्रालय के अधीन वित्तीय विभाग में अभी कई ऐसे नौकरशाह हैं जो गांधी परिवार को बचाने के लिए किसी हद तक वो जा सकते हैं। आपसे अनुरोध करेंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, क्योंकि और नेशनल हेराल्ड मामले में छोड़िए, कांग्रेस ने जितने भी फर्जीवाड़े किए, चाहे 2G से लेके जितने भी स्पेक्ट्रम, चाहे जीप घोटाला से लेके अब तक के जितने घोटाले किए, सब पे वो किस तरह से साजिशन पर्दा डाल करके उसे मिट्टी तले दबा देती है, उसका ये सबसे अनूठा उदाहरण है। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देखें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। आपको बता दें, जो नौकरशाह हैं वो अभी भी चाहते हैं कि गांधी परिवार वापस आ जाए और उनकी मलाई भी रहे। आपको याद है, जितने दाढ़ी पके वाले पत्रकार हैं जो 70 साल से उनके कहीं ना कहीं दिए हुए रोटी पर दो वक्त की रोटी डालते रहे कुत्तों की तरह और वो पलते रहे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप जान सकते हैं, वो पत्रकार आज भी अपनी दुम उन्हीं के इर्द गिर्द हिलाते रहते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में कुछ ऐसा था। नेशनल हेराल्ड केस मामले में, जिस कर की चोरी मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी जमानत पर बाहर थे, उस मामले को रफा दफा करने के नियत से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसे CBDT कहते हैं, उसमें बैठे नौकरशाहों ने चुपके से एक नया सर्कुलर जारी कर दिया था। साल का आखिरी दिन था, इसकी आड़ में लेकर कांग्रेस के पालतू नौकरशाहों ने नियम बदल दिया। इस सर्कुलर के तहत जारी किए गए नए शेयर को कर लगाने से मुक्त कर दिया था। ये जो खेल चल रहा था, वो सीधे तौर पर गांधी परिवार को, जो नेशनल हेराल्ड केस में फंसे हुए हैं और जो 1938 में वो नेशनल हेराल्ड की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, जिसमें कई स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके 10-10 रुपए के शेयर थे और उसमें नेहरू भी था, उन सबको, आपको बता दें, उन सबको तब से लेकर अब तक जो खेल हुआ उसको लेकर के एक सर्कुलर पूरा खेल का काम तमाम कर देता। लेकिन जैसे इस पूरे के पूरे मामले की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संज्ञान में हुई, उन्होंने उस पर तुरंत संज्ञान लिया। उनके संज्ञान लेने से 24 घंटे के भीतर CBDT ने अपनी गलती सुधारते हुए सर्कुलर को वापस लिया। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर CBDT द्वारा जारी की गई सर्कुलर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को निर्दोष साबित करने वाला बताते हुए उसका स्वागत कर डाला। जबकि महज 24 घंटे हुए थे, महज 24 घंटे के अंदर फिर जारी शेयरों को कर मुक्त करने वाले कानून को फिर से पूर्ववर्ती बहाल कर दिया गया। यानी ये खेल ये चल रहा था, ये लोग वो हैं
कांग्रेस ये वो लोग हैं, इनके इतने बड़े बड़े वकील हैं कि लोग क्या करते हैं, इन्हें संविधान के से चलते हैं, ये लोग कानून के तरीके से चलते हैं। 1860 का कानून और 1947 का संविधान, 1950 का संविधान, बड़े बड़े वक्ता थे, माफ कीजिएगा मैं आप यहाँ पर थोड़ा कच्चा चिट्ठा खोलूंगा, बड़े पढ़े लिखे लोग थे, नाम नहीं लूंगा, जिन लोगों ने संविधान बनाया। अरे संविधान बनाना ही था तो विवेक तो था, ये दिमाग तो था, दिमाग अगर था तो क्यों लेने गए पूरे के पूरे ब्रिटिश और अमेरिकी कानून की कॉपी क्यों करने गए? पूरा का पूरा संविधान मैक्सिमम कॉपी कर दिया अंग्रेजों से, जिस अंग्रेजों के हम छुटकारा पाने चाह रहे थे उसी ब्रिटेन की 60-70% आपने पूरी कॉपी कर ली, यानी कि जिसके चंगुल में हम फंसे हुए हैं उसी के नियम कानून हम फिर से अपने देश पर थोपने जा रहे थे। और लोग कहते हैं कि साहब इन्होंने एक संविधान लिख दिया, अरे संविधान लिखा था, नकल करके कोई छात्र पास हो जाए तो क्या आप उसको डॉक्टर बनाने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, चीरे काटने के लिए भेज दोगे, अपना कटवा लोगे? सीधे तौर पर आप कहोगे नहीं, हम ऐसे डॉक्टर से कभी भी ऑपरेशन नहीं कराएंगे जो नकल करके पास हुआ है। मेरे को आपको बातें बहुत सारे लोग को गलत लग रही होगी, बहुत सारे लोग कुछ खास जात से जोड़ने लगेंगे, कुछ खास धर्म से जोड़ने लगेंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सच यही है, आप जाके पढ़ लीजिए। साहब अगर विवेक इतना था तो पूरा संविधान लिख देना चाहिए था ना, क्यों कॉपी करने गए सारा संविधान? और कॉपी करने गए तो अमेरिका के अंग्रेजों का ही संविधान क्यों कॉपी किया? क्या अंग्रेजों का जो संविधान था 1947-50 का, आप ब्रिटेन देख लीजिए, लंदन देख लीजिए, न्यूयॉर्क देख लीजिए, उस समय उनका कितना विकास हुआ था? क्या हर एक समय एक कानून रह सकता है? आपको समझ में आता है, एक देश विकसित है जहां जो देश विकसित है वहां पर जो कानून लागू हो रहे हैं, और एक देश विकासशील है या एक देश एकदम गरीबी में जूझ रहा है तो विकसित वाले देश का कानून हम विकासशील या जो गरीबी से जूझ रहा है उसमें कानून कैसे लागू कर सकते हैं? और ये कानून लागू किए गए, और लोग कहते हैं परम पूजनीय है वो लोग जिन्होंने एक कानून, इस संविधान लिखा, संविधान लिखा, वाह। और मेरे बात गलत आपको लग रही तो आप सर्च मार लीजिए कि हमारे संविधान का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो कॉपी किया गया अंग्रेजों के संविधान से, आपको पता चल जाएगा। इसलिए मैं कहना एक ही बात कहूंगा, नकलची डॉक्टर से आप कभी भी ऑपरेशन नहीं कराना चाहेंगे जो नकल करके पास होकर के किसी भी तरह से आरक्षण से उस पोस्ट पर पहुंचा हुआ हो और आपसे कह दिया जाए भाई आपका कल को वो पेट फाड़ के चीर के आपका ऑपरेशन करने वाला, आपके हार्ट का ऑपरेशन करने वाला है, आप दूर खड़े हो जाओ, कहोगे नहीं मैं कभी भी नहीं कराऊंगा। लेकिन हम अभी भी कुछ लोगों को अपना हीरो बनाते आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और ये गलत नहीं कह रहा हूं मैं, इन्वेंशन को सल्यूट किया जाना चाहिए, इन्वेंशन समझते ना आविष्कार को, लेकिन नकल को सल्यूट करने वालों को ऊपर वाला ही उनका मालिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन सबके बीच में आते हैं वापस, खेल जो चल रहा था कानून को पलटने की, ये मैं जो बात कर रहा था कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस जो काम करती है बहुत कानून और संविधान के तहत करती है काम। कांग्रेस को उदाहरण के तौर पर एक मर्डर करना होता है तो उस मर्डर को भी कानूनी तरीके से करती है, क्योंकि उसका वकील है, वकील कहेगा एक काम करिए, इसके मर्डर में पहले ये करिए, फिर ये करिए, फिर ऐसे करिए, इसको मार दीजिए, क्योंकि हम बाद में इसी सबूतों को पेश करके साबित कर देंगे कि ये मर्डर तो हुआ ही नहीं, ये अपने आप चाकू आकर इसके पेट में घुस गया और ये इसकी मृत्यु हो गई। इस तरह के खेल खेलते, यही काम यहां चल रहा था कि कैसे नेशनल हेराल्ड केस से नौकरशाहों द्वारा ही कानून को पलटवा करके अपने आप को क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट से करवा लिया जाता, खेल पूरा खत्म हो जाता। लेकिन जिस प्रकार के नौकरशाहों ने चुपके से नियम बदला था उस पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल खड़ा किया। वित्त मंत्रालय के अधीन वित्तीय विभाग में अभी भी कई नौकरशाह हैं, ऐसे भी हैं जो गांधी परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के तैयार हो जाते हैं। नेशनल हेराल्ड केस मामले में, जिस कर चोरी के मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष, कांग्रेस के राहुल गांधी जमानत पर हैं,
उस मामले को रफा दफा करने की नीयत से केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड कर सीबीडीटी के बैठे नाकर साहू ने पिछले साल 3 दिसंबर को चुपके से एक नया सर्कुलर जारी किया। साल का आखिरी दिन था, इसकी आड़ में लेकर कांग्रेस के पालतू नौकर साहू ने नियम बदल दिया। इस सर्कुलर के तहत जारी किए गए नियम में नए शेयर्स को कर लगाने से मुक्त कर दिया गया। लेकिन जैसे ही इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जानकारी में आया, उन्होंने इस गलती को सुधारा। कांग्रेस ने आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर, मैंने आपको बताया, 24 घंटे के अंदर इस चीज को लेकर के फिर से इस मुद्दे को उठाना चाहा। तो ये साफ तौर पे क्लियर तरीके से ये बात जग जाहिर है। इन सबको लेकर के इन संदर्भ में स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके लिखा है कि जिस प्रकार शेयर को AJL ने यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर करने की क्लीन चिट देने के लिए CBDC सर्कुलर जारी किया गया और फिर 24 घंटे के अंदर उस सर्कुलर को वापस लिया गया, यह गंभीर मामला है। आपके सामने एक ट्वीट है। इस ट्वीट का हिंदी अनुवाद जो मैं बोल रहा हूं आपको है, उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि निश्चित रूप से इस मामले को उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाते हुए लिखा है कि क्या CBDT द्वारा जारी सर्कुलर को क्या वित्त मंत्रालय स्तर पर क्लियरेंस मिला था या नहीं। स्वामी, इस प्रकार के सवाल से साफ होता है कि वित्त मंत्रालय के कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अभी भी कांग्रेस के गांधी परिवार को हर सूरत में बचाना चाहते हैं। गौरतलब है कि यह मामला नेशनल हेराल्ड प्रकाशन करने वाले एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड यानी AGL के मामले से जुड़ा हुआ है। यह मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है। इस मामले में तहत कर चुराने के मामले में आरोप में मां बेटे सोनिया राहुल गांधी बेल पर हैं। वहां हेराल्ड हाउस खाली करने का मामला कोर्ट में लंबित है। मालूम हो कि कोर्ट ने तो हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश भी दे दिया है, लेकिन गांधी परिवार ने कोर्ट के इस आदेश की चुनौती दे रखा है। मालूम हो कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करने वाले एसोसिएट जनरल लिमिटेड यानी AGL के अधिग्रहण में धोखाधड़ी होने की शिकायत की थी। उनकी शिकायत पर जांच होने से साफ हो गया है कि नेशनल हेराल्ड में अवैध तरीके से अधिग्रहण किया गया था। इसी आधार पर कोर्ट ने 2 सप्ताह के अंदर हेराल्ड हाउस खाली करने की चुनौती दी थी। आपको बता दूं, कुछ दिन पहले ही, पिछले हफ्ते या लगभग एक महीने के अंदर की बात है, एक प्रधानमंत्री के बहुत करीबी ने एक बात कही। उन्होंने कहा संविधान को भी शायद बदला जाना चाहिए, सोचिएगा जरूर। और एक बार गूगल करके अब गूगल करिए मेरी जो मैं कीवर्ड्स बोल रहा हूँ कि भारत का संविधान कहाँ से लिया गया है, बस इतना गूगल कर लीजिए। इतना जब आप गूगल करेंगे तो गूगल पे आपको सब कुछ मिलेंगे और आपको बाकी चीज नहीं है ना, अच्छे अच्छे जो न्यूज़पेपर्स हैं, अच्छे अच्छे जो लोग हैं जिन्होंने लिखे हुए, उनकी बातों पर विश्वास करिएगा, आपको पता चल जाएगा हमारे संविधान को कहाँ से कितने प्रतिशत लिया गया। और 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो जो लोग जिनकी पूजा करते हैं करें, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर मरने के बाद कोई भगवान हो जाता है तो जितने भी अब तक लोग मौतें हुई हैं सभी भगवान ही हैं, सभी ने कुछ अच्छा ही काम किया, तक किसी ने बुरा काम नहीं किया। क्योंकि 1984 में सिख दंगे हुए, किसी ने कुछ बुरा काम नहीं किया, सब बड़े अच्छे आदमी थे। 1965-1962 में जो कुछ हो आप जानते हैं, चीन को किस तरह से एक्साइज चेन दे दिया गया, आप सब जानते हैं, बड़े अच्छे आदमी थे। इसलिए किसी की मौत के बाद वो अच्छे आदमी थे कह देना ये अच्छी बात है, एक मानवता है, लेकिन कम से कम उस अच्छी बात को कहने के बाद ये बात तो कम से कम निकालिए कि कुछ सच बातें भी जो हैं उनको तो बाहर लेके आइए कि कम से कम उस आदमी को अच्छा कह दिया, उसने जो किया वो अच्छा किया, उसके बाद आज की नई जो पीढ़ी है उसको लेकर के भुगते। 1860 के कानून को लेकर हम भुगते क्योंकि हमारे नेहरू साहब ने 1860 का कानून अभी तक जिंदा रखा, जो अंग्रेजों द्वारा कानून बनाया गया था। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, जिसको बाद में अंत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दे दिया गया। AO ह्यूम उसका संस्थापक बना। 1947 में एक डील कर ली गई कि भाई एक काम करो, पाकिस्तान को इसको बांट दिया जाता है। अंग्रेज को उस समय देश की सत्ता को कहीं ना कहीं संभालने दे दिया जाए, भले प्रधानमंत्री नेहरू बने, सेना अध्यक्ष और जो लोग थे वो सब अंग्रेजी थे, और कहते हैं कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सवाल बड़े हैं, इन सवालों पे सोचिएगा। 1885 जब संविधान जब कांग्रेस का गठन हुआ और AO ह्यूम उसका संस्थापक हुआ, उसके बाद से ये चीज फिर से गूगल मारिएगा कि हमारे जवान जो फांसी पर चढ़े, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो फांसी पर चढ़े, वो कब से सबसे ज़्यादा चढ़े। 1885 से पहले सिर्फ एक व्यक्ति था
आप सर्च कर लीजिए, वो फांसी पर चढ़े थे। बाकी उसके बाद 1885 के बाद सारे स्वतंत्रता सेनानी फांसी पर चढ़े। इसका मतलब समझते हैं आप, कांग्रेस भारत को आजाद कराने आई थी या भारत को बंटवाने आई थी? उसके बाद 1905-6 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, लेकिन देश भर में पूरा संग्राम हुआ, फिर से बंगाल का विभाजन को वापस ले लिया गया। उसके बाद 1947 में आखिरकार पाकिस्तान को बांट ही दिया गया और हिंदुओं को मरवा के यहाँ वापस भेजा जा रहा था लासे। और हमारे गांधी जी कह रहे थे मत मारो हिंदू मुसलमानों को, मत मारो। 1928 में एक प्रकरण आया था इसी तरह का, जहाँ पर गांधी ने कहा कि नहीं, मुसलमानों के खिलाफ कुछ लिखा गया वो गलत है, और हिंदुओं के खिलाफ अगर लिखा गया कोई बात नहीं, मुसलमान है। इसलिए अगर कोई यहाँ से चला गया धरती से तो हम उनको भगवान तो माने, लेकिन कुछ गलतियाँ हैं, वो भगवान से भी गलतियाँ हो जाती हैं, तो भगवान की गलतियों को भी थोड़ा सुधारा जाना चाहिए। इस बात से सहमत है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने राय देने के बाद वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बने रहिए वर्ल्ड न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।